नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 2 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है नए साल पहले इसी पर मटी मिटी दूरियां। भारत चीन के सैनिकों ने सीमा पर जगह जगह आपस में बांटी मिठाइयां। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों आतंकवाद पर साल का पहला प्रहार, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया दहशतगर्द, ऑपरेशन जारी। चौथी तीसरी बड़ी अपडेट, तालिबान राज में पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका, TTP के साथ मुठभेड़ में 4 जवानों की मौत। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराहट जारी। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा और होगी मजबूत, प्रक्रिया शुरू, S-400 मिसाइल सिस्टम की अगले महीने होगी तैनाती। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इस बीच पांचवी बड़ी अपडेट, 20 लाख लोगों के मुंह का निवाला छीना, इस देश में भुखमरी से बुरे हालात, सैकड़ों सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने UN के गोदामों में की लूटपोट। जानेंगे आखिर कौन सा वो है देश, वहीं सब कुछ खबर जानेंगे। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में अगले सप्ताह वायुसेना मुख्यालय को सौंपी जा सकती है जांच रिपोर्ट, तो वो हम आपको बताएंगे। वहीं हरिद्वार धर्म संसद मामला, यति नरसिंहानंद और सागर सिद्धूराज के खिलाफ भी दर्ज हुई FIR, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर भी बड़ी खबर आई है और इसके बाद भारत ने किया बड़ा ऐलान और खास करके समुद्र में बना दिया ऐसी पनडुब्बी कि चाइना और पाकिस्तान अमेरिका तक के भी होश उड़ गए हैं। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, नए साल में LAC पर मिटी दूरियां, भारत और चाइना के सैनिकों ने सीमा पर जगह जगह आपस में बांटी मिठाइयां। पिछले 1.5 साल से भारत और चीन के बीच सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चल रही टेंशन नए साल के पहले ही दिन गायब दिखाई दी। भारतीय सेना ने बताया है कि भारतीय जवानों और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों के साथ नए साल के पहले दिन LAC पर अलग अलग जगह एक दूसरे को नए साल के आगमन की बधाइयां दी थी। साथ ही दोनों सेनाओं ने हॉट स्प्रिंग, डेमचोक, नाथुला, कोंगराला केक पास, DBO, बॉटन नेक, कोंकला समेत कई जगहों पर नए साल में जश्न मनाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने टैक्स चोरी को लेकर भी बड़ी बात की। इस बीच आपको बता दें लद्दाख में खास करके अब एक सहमति भी बनी है पूर्वी लद्दाख को लेकर, भारत और चीन की सहमति बनी है जहाँ पर पूरी तरीके से सेना को हटाए जाने की भी खबर निकल के आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैनिकों की पूरी तरीके से वापसी और स्थिति की तत्काल बहाली के अपने रुख से समझौता किए बिना भारत ने पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीनी पक्ष के साथ कई दौरों के सैन्य वार्ता भी की है। मंत्रालय ने एक वार्षिक समीक्षा में यह भी कहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट, आतंकवाद पर साल का पहला प्रहार, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक और दहशतगर्द, ऑपरेशन जारी। दोस्तों कश्मीर संभाग में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और अभी आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस सेना और CRPF की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दी और लोगों ने मुठभेड़ स्थल से दूरी और सुरक्षा स्थानों पर रहने को कहा गया। हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आपको बता दें पिछले सौ दिनों में सेना ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि पूरी तरीके से आतंकियों का सफाया हो गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, तालिबान राज में पाकिस्तानी सेना को झटका, TTP के साथ मुठभेड़ में 4 जवानों की मौत। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तानी तालिबान के साथ गोलीबारी में उनके 4 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान के पास पाकिस्तानी तालिबान के एक पुराने गढ़ में 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये इस महीने की शुरुआत में संघर्ष विराम खत्म होने के बाद सशस्त्र समूह के और पाकिस्तान सुरक्षा बलों के बीच का सबसे भीषण टकराव है। आतंकियों ने यह हमला उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली कस्बे में किया। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा है कि पहली छापेमारी उत्तरी पश्चिमी में टैंक जिले में की गई है जिनमें 2 सशस्त्र लड़ाके मारे गए हैं। दूसरी छापेमारी उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुई है जिनमें 4 सैनिकों के मारे जाने से पहले एक लड़ाकू को हिरासत में ले लिया गया। सुरक्षा बल उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली शहर में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रहे थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी, प्रक्रिया शुरू, S-400 मिसाइल सिस्टम अगले महीने होगी तैनाती। दोस्तों दरअसल S-400 को लेकर कल एक नई रिपोर्ट निकल के आई,
आई है। शनिवार को सैन्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि मिसाइल सिस्टम की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तैनाती को पूरा करने में कम से कम 6 सप्ताह लगेंगे। मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट को इस तरीके से तैनात किया जा रहा है और ये उत्तरी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा के कुछ हिस्सों के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा को भी कवर कर सके। एक अधिकारी ने कहा कि मिसाइल सिस्टम के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों के साथ साथ इसके परिधि उपकरणों को तैनाती स्थल तक पहुंचाने का काम चल रहा है। कुल मिलाकर भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 इकाइयां मिलने वाली हैं। अक्टूबर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद की करार के साथ आगे बढ़ने पर अमेरिकी प्रतिबंधों को आमंत्रित किया जा सकता है। भारत ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलरों के सौदे पर हस्ताक्षर किए। हम चलते हैं एक और अपडेट। 20 लाख लोगों के मुंह का निवाला छीना। इस देश में भुखमरी से बुरे हालात। हमला कर सैकड़ों लोगों ने UN के गोदामों में की लूटपोट। दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अपने गोदामों पर हाल ही के हमलों के बाद सूडान के उत्तरी प्रांत दारफूर में अपना अभियान अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिनमें करीब 20 लाख लोगों पर असर पड़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी की ओर से बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में उसके 3 गोदामों पर हमला और लूटपाट हुई है। साथ ही 5000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की चोरी हो गई और इस घटना के बाद यहाँ कर्फ्यू लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। तो दोस्तों, सूडान में आपको बता दें हालत बेहद ख़राब हो चुके हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। इसके साथ ही इस हफ्ते शुरुआत में ही तो WFA ने कहा है कि उत्तरी दारफूर प्रांत में पूरी तरीके से हथियारबंद जो है UN के गोदामों पर कब्जा कर लिया। हम चलते हैं एक और ब्रिट। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में अगले सप्ताह वायुसेना मुख्यालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अभी तक 2 दिन पहले सौंपी जानी थी 31 दिसंबर को, लेकिन अब थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा दिया गया और अगले हफ्ते, क्योंकि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा चुके CD जनरल बिपिन रावत और 3 अन्य लोगों की जान चली गई थी। मामले से परिचित सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे में तीनों सेनाओं की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और निष्कर्ष अगले सप्ताह वायुसेना मुख्यालय को सौंपे जाने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट को जमा करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पता चला है कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जांच दल ने संभावित मानवीय त्रुटि सहित दुर्घटना के सभी संभावित पहलुओं की जांच की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, डरा रहा कोरोना। मुंबई में रिकॉर्ड 6347 नए मामले। दिल्ली में बढ़े 51% मामले। कोरोना फिर से बढ़ रहा। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है। महानगर मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना 6347 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मौत रिकॉर्ड हुई है। वहीं दिल्ली के कोरोना केसेस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2716 नए मामले सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले में चिंता पैदा कर दी गई। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। शनिवार को अकेले मुंबई शहर में कोरोना के लगभग 6347 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 451 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि एक की मौत हो गई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, नए साल पर क्रूर तानाशाह किम जोंग भी हुआ सरेंडर। अब भुखमरी की कगार पर है तो परमाणु हथियारों की बजाय खाद्यान्न की बात कर रहा है। दरअसल दुनिया भर में एक क्रूर तानाशाह की छवि रखने वाले नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। नए साल में किम जोंग उनकी छवि बदलने वाली है और ये सवाल इसलिए क्योंकि गुजरे साल के बाद नए साल में किम जोंग उन ने अपने जिन लक्ष्यों को सामने रखा है वो पहले कभी उन्हें कहते नहीं देखा गया। साल 2021 के आखिरी दिन अपने संबोधन के दौरान तानाशाह शासक ने परमाणु हथियारों की बजाय खाद्यान्न की बात की है। 10 साल से नॉर्थ कोरिया में शासन कर रहे किम जोंग उनको उनकी तानाशाही और उग्र व्यवहार के लिए जाना जाता है, लेकिन लगता है कि नए साल में किम जोंग उन खुद को बदलने के लिए तैयार है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ मुस्लिम संगठन अब करने वाले हैं मुस्लिम धर्म संसद बुला रहे हैं बरेली, यूपी के बरेली में। दोस्तों, आपको बता दें, मुसलमानों के बड़े नेता ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि इस तारीख पर यूपी के बरेली में हजारों मुसलमान जुटेंगे, यानी 7 तारीख है वो। दरअसल आपको बता दें, जुमे का दिन है। जुमा के नमाज पढ़ने के बाद बरेली की ग्राउंड इस्लामिया ग्राउंड में लगभग 20,000 मुस्लिम जो है वो इकट्ठा होंगे। और जिस तरीके से धर्म संसद हिंदू धर्म संसद हो रहा है और इसी के बाद अब ये मुस्लिम धर्म संसद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ
हमारे हमको मारने और काटने की बातें हुई हैं। हम 20,000 मुसलमान 7 तारीख को बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होंगे। अगर किसी को मारना और काटना है तो वो आ जाए। यानी एक तरीके से भड़काऊ बयान जो है यहाँ पर भी मौलाना साहब तौकीर रजा जो है वो देते नज़र आ रहे हैं। और बरेली में ये कहीं ना कहीं अपने आप में मौलाना तौकीर रजा जो कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के प्रमुख भी हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। नए साल से पहले CM योगी का तोहफा, UP के इन कर्मचारियों को बड़ा महंगाई भत्ता। नए साल से शुरू होने से पहले ही UP के CM योगी आदित्यनाथ की तरफ सहकारी गन्ना समितियों को तोहफा दिया जा रहा है। वहीं ये तोहफा उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला करके CM योगी ने दिया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानकारी गन्ना विभाग और चीनी उद्योग के अपर सचिव ने भी दी है, तो ये भी बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें इत्र कारोबारी ने ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद कल समाजवादी पार्टी के करीबी पुष्पराज जैन के घर भी मिले भारी भरकम कैश। इनकम टैक्स में मिली अनियमितता, तो वहीं कारोबारी मलिक मियां के घर भी पूरी तरीके से मिला नोटों का बंडल। 22 कमरे मिले मोहम्मद याकूब के घर, जहां सोना भी मिला है। अभी भी पैसे के लेन देन यहाँ भी गिनी जा रहे हैं। कन्नौज में मशीनों की चल रही है उन नोटों की गिनती। कन्नौज मित्र के बड़े कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी और मलिक मियां के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। 28 घंटे छापेमारी जारी है। शनिवार दोपहर 12 बजे मलिक मियां के घर इनकम टैक्स और बैंक की टीम नोट गिनने के मशीन लेकर पहुंची और भारी मात्रा में रुपए बरामद हुए। उधर कन्नौज में मोहम्मद याकूब के मड़वई आवास में IT की छापेमारी के दौरान मिले रुपए गिनती खत्म हो गई। तो आप समझिए कितनी भारी भरकम रुपए जो है ये समाजवादी और ये काश करके कई लोग जो है वो दिखते नजर आए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर अभी भी रिपोर्ट, वैष्णो देवी मंदिर में मृतकों की संख्या हुई 15, लेकिन दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जम्मू में स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर में तीर्थ क्षेत्र में हुई भगदड़ में लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों में सभी यात्री UP, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन सभी यात्रियों की पहचान कर ली गई है। दरअसल अधिकारियों की ओर से घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों में श्वेता सिंह, धर्मवीर सिंह, विनीत कुमार, अरुण प्रताप, सोनू शर्मा, मोहिंदर गौर, नरेंद्र कश्यप, विनय, सोनू, आकाश समेत कई लोग जो है वो शामिल हैं और ये UP और दिल्ली समेत कई जगहों पर रहने वाले हैं। तो 15 लोगों की कहीं ना कहीं तरीके से मौत हुई इस भगदड़ में। हालांकि आपको बता दें कि इसमें जो है माना जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो डंडे लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो आगे बढ़ने से रोका था, उसी वजह से लोग डर के मारे पीट लेते हैं। दोस्तों भारत ने चुपके से लॉन्च किया न्यूक्लियर पनडुब्बी S-400, 1-7-8 मिसाइल दागने में सक्षम। दोस्तों भारत ने विशाखापट्टनम में अपनी तीसरी अरिहंत कैटेगरी की परमाणु संचालित पनडुब्बी लॉन्च कर दी है। इसे गोपनीय तरीके से विशाखापट्टनम स्थित गोपनीय शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह रिपोर्ट ब्रिटेन की पत्रिका जेंस डिफेंस वीकली ने दी है। भारत ने पहले पनडुब्बी बैलिस्टिक परमाणु पनडुब्बी अरिहंत को 2016 में कमीशन किया गया था। दूसरे अरिहंत को 2014 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इसे अब तक भारतीय नौसेना बेड़े में नहीं शामिल किया गया है। अरिहंत कैटेगरी की सबमरीन रूस की मदद से बनाई जा रही है। जेंस डिफेंस वीकली के मुताबिक नई नाव जिसे S-400 कहा जाता है, S-4 कहा जा रहा है, INS अरिहंत से थोड़ी बड़ी है और अपने साथ कम से कम 8K4 बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक S-4 पनडुब्बी जो है वो बैलिस्टिक परमाणु पनडुब्बी को 23 नवंबर को लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के बाद इसे फिटिंग आउट के पास रिलोकेट किया गया था, जिस पर मौजूदा वक्त में INS अरिघाट का था। आपको बता दें अरिघाट इस तरीके का दूसरा न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन था। अरिघाट को नवंबर 2014 में लॉन्च किया गया था और कमीशन होने के इंतजार में रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड महामारी के कारण इसे कमीशन के लिए जाने में देरी हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अरिहंत से ज़्यादा खतरनाक S-4 है और S-4 का कहीं ना कहीं जो है डंका वो पूरी दुनिया में बज रहा है और यही कारण है कि अब S-4 पनडुब्बी जो है वो 1-7-8 मिसाइल ताबड़तोड़ 8 मिसाइल दागने में सक्षम है, जिससे चाइना की जो मुश्किलें हैं वो समुद्र में बढ़ने वाली हैं।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर, कश्मीर में जैश और लश्कर पर कड़ा प्रहार, हिजबुल नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त, बीते साल सह ऑपरेशन हुए। दोस्तों, कश्मीर में आतंकियों के सफाये के लिए चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जैश ए मोहम्मद व लश्कर ए तैयबा के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार करते हुए कई नामी गिनामी कमांडरों और आतंकियों के को मार गिराया है। टारगेटेड किलिंग की घटनाओं पर गृह मंत्रालय के सख्त रवैये के बाद दहशतगर्दों के खोज कर ढेर किया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर में मजबूत पकड़ रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क समाप्त हो गया है, उसे संगठन के लिए कैडर नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2021 में विभिन्न आतंकी तंजीमों के 44 टॉप कमांडरों समेत 182 दहशतगर्दों का सुरक्षा बलों ने काम तमाम कर दिया है। कमांडरों में लश्कर के 26, जैश के 10, अकेले 29 और 30 सितंबर को स्थानीय जगहों पर ढेर किए गए। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इंडियन कोस्ट गार्ड के नया प्रमुख नियुक्त हुए वीएस पठानिया, कमान संभालने वाले एयरफोर्स के पहले चॉपर पायलट। दोस्तों, चॉपर पायलट बीरेन सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उनके ऊपर देश की 7000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी तटरेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। पठानिया मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और वो फोर्ब्स के पहले चॉपर पायलट हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने वीरेन सिंह पठानिया को राष्ट्रीय राजधानी ने भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और पिछले 3.5 दशकों में विभिन्न कार्यों में संगठन की सेवा कर चुके हैं। वो नई दिल्ली में ICG मुख्यालय में उप महानिदेशक नीति और योजनाओं का प्रभार भी संभाल रहे हैं। तो ये बेहद बड़ी, हम चलते हैं कोर अपडेट कोरोना को लेकर। दोस्तों, हाई अलर्ट कोरोना मामले में जबरदस्त उछाल, 24 घंटे में 22,000 से ज़्यादा मामले निकले। वहीं दोस्तों, एक्टिव केस अभी भी 1 लाख के पार हैं। तो देश में ओमिक्रॉन से लगभग 1500 संक्रमित। भारत में कोरोना संक्रमण में मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 20 शुक्रवार को जहां देश भर में कोविड के 16,000 मामले सामने आए, वहीं 22,000 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, इस दौरान 406 मरीजों की मौत हो गई है। मौत के नए आंकड़े सामने आने के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या देश में 4,81,000 हो गई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। लेकिन दोस्तों, ओमिक्रॉन के मामले में तो ज़बरदस्त उछाल हो रही, क्योंकि अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते, मामले जो है 1 से 2 से 5 से 10 आ रहे थे, लेकिन अचानक 1500 मामले शुरू हो चुके हैं, जो कि अपने आप में टेंशन बढ़ाने वाला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा का वो मंदिर जहां जाएंगे भारत समेत कई देशों के हिंदू, भारत से भी 160 यात्रियों का जत्था होगा रवाना। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में स्थित ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन के लिए भारत समेत कई देशों से हिंदू श्रद्धालु इस सप्ताह जाने वाले हैं। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत से कुल 250 श्रद्धालु पहुंचेंगे। इनमें से अकेले भारत के 160 यात्रियों का जत्था रवाना हो रहा है। करक जिले के टीरी गांव में बने एक 33 से ऐतिहासिक मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था और बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसका पुनर्निर्माण हुआ है और अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। और ये मंदिर परमहंस जी महाराज की समाधि के लिए विख्यात है। स्वामी परमहंस जी महाराज का जन्म बिहार के छपरा जिले में 1846 में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मे परमहंस की मां का निधन उनके बालपन में ही हो गया था। उनके पिता तुलसीराम पाठक पुरोहित थे और उनके एक जजमान लाला नरहरि प्रसाद अपने बेटे को खो चुके थे। तो दोस्तों, इसी को कहीं ना कहीं तरीके से भारत की तरफ से भी बॉर्डर से जाने वाले 160 लोगों का चयन किया गया है और भारत ने खारिज हिंदू श्रद्धालुओं पर पाक की जो चॉइस थी वो खारिज कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में पल रहे और बढ़ रहे आतंकियों को दिया मैसेज, कहा अपनी ताकत पॉजिटिव काम में लगाएं। नए साल पर जम्मू कश्मीर पुलिस युवाओं को संदेश। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं युवाओं से अपील की कि वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। नए वर्ष 2022 की पूर्व संध्या पर DGP दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों, शहीदों के परिवारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस के सभी जवानों और अफसरों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि नया साल जम्मू कश्मीर में शांति, सद्भाव और खुशियां लाने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिलबाग सिंह के हवाले से शुक्रवार शाम को ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर पुलिस हर चुनौतियों से और हर समर्पण और वीरता के साथ निपटना जारी रखेगी। हम शांति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए साल में सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा और DGP ने युवाओं को इस मौके पर अपील की है कि आप लोग अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और इस तरीके की चीज़ें ना करें जो देश को तोड़ने वाली हो।
क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जितनी भी एक्टिविटी करोगे आप भारत में और अपने ऊपर ही करोगे। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जहाँ पे रिचेस्ट इंडियंस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बढ़िया अडानी की दौलत इस साल अजीम प्रेम जी ने भी अंबानी से भी ज़्यादा कमाया। दोस्तों साल 2021 भारतीय अरबपतियों के लिए अच्छा गुजरा है। इस दौरान गौतम अडानी ने रिकॉर्ड तेजी से कमाई की और एक समय में तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ने के कगार पर पहुंच गए। भारतीय अरबपतियों में गौतम अडानी ने 2021 में सबसे ज़्यादा $41 बिलियन की कमाई की है। ब्लूमबर्ग के विलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी की कुल दौलत अभी $75 बिलियन है और ये ठीक साल भर पहले की तुलना में $41 बिलियन अधिक है, यानी 2021 में अडानी की दौलत दोगुने से भी अधिक हो गई है। एक समय ऐसा भी आया जब अडानी की कुल संपत्ति $85 बिलियन के पार निकल गई थी। हालांकि उसके बाद अडानी समूह की कुछ कंपनियों के शेयर लुढ़कने से उनका नेटवर्थ कुछ कम हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि जितनी अब की बढ़ी है उससे कहीं ज़्यादा अब की बार बढ़ने वाली 2022 में, और यही कारण है मोदी जी का कृपा बना हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस तरीके से वैष्णो देवी में हाथ से हुए से आप कैसे देखते हैं